मिलिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नकाबपोश विलन से, फ्लॉप बॉलीवुड डेब्यू वाले इस एक्टर से जिसने दी 600 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर मूवी। नमस्ते दोस्तों, अभी फ्लिक डिस्कस में स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जिस अभिनेता की रानी मुखर्जी के साथ बॉलीवुड में पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, वह बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ खलनायक के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है। विजय देवराकोंडा से लेकर रामचरण और कमल हसन तक ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि कुछ कलाकार हिंदी फिल्म में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। एक ऐसा दक्षिण भारतीय अभिनेता जिसका बॉलीवुड डेब्यू फ्लॉप रहा, वह इंडस्ट्री में खलनायक के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है। हम जिस अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं, वह मलयालम फिल्म उद्योग का एक सितारा है और उसने 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनेता ने रानी मुखर्जी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहे। वह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज सुकुमारन है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 2012 में रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या से बॉलीवुड में अपनी शानदार शुरुआत की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह विफल रही और उन्होंने फिर कभी बॉलीवुड फिल्म नहीं की। हाल ही में पृथ्वीराज को प्रभास के साथ सलार सीज़फ़र पार्ट 1 में देखा गया था और फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा था। ये फिल्म 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रुति हसन भी थी और इसने दुनिया भर में 617 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब पृथ्वीराज सुकुमारन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया था जिसमें अभिनेता का चेहरा मास्क से ढका हुआ दिखाई दिया था। वह अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और भव्य एक्शन सीक्वेंस ने पहले से ही प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इसका निर्माण अली अब्बास जफर, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिका देशमुख और हिमांशु किशन मेहरा ने पूजा एंटरटेनमेंट और AAZ फिल्म्स के बैनर तले किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी चिल्लर, आलिया एफ और रोनित बोस रॉय भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। ये फिल्म 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और अजय देवगन स्टारर मैदान फिल्म से टकराया है। पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी फिल्म द गोट लाइफ के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसका शीर्षक मलयालम फिल्म में आदुजी वीथम है। अभिनेता पिछले 16 वर्षों से इस फिल्म पर काम कर रहे हैं और अक्षय कुमार ने इसके लिए अभिनेता की प्रशंसा की और कहा, उन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया और आमतौर पर मैं फिल्म स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाता, लेकिन मैंने उनसे पूछा है मुझे स्क्रीनिंग के लिए बुलाने के लिए, मैं इसके लिए जाऊंगा क्योंकि ये मूवी बहुत दिलचस्प लग रहा है। आप सभी को इसे अवश्य देखनी चाहिए। फिल्म 28 मार्च को दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों से भी सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई थी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।